सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको दसवां पाठ ई मनोरंजनम पढ़ाएंगे। सबसे पहले देखते हैं दो बच्चों की बातचीत। विशाखा कहती है, भू योगिते, अरे योगिता, एतत् त्वं किं करोसि, या तुम क्या कर रही हो। योगिता कहती है, अहम् समकालीन प्रसिद्ध वैज्ञानिकानां कार्याणि रचना तेषां जन्म आदिनी वर्णनानि अन्वेषयामि, अर्थात अहम मैं समगणकीन कंप्यूटर से प्रसिद्ध वैज्ञानिका नाम मशहूर वैज्ञानिकों के कार्याणी कार्यों को रचना उनकी रचनाओं को तेषाम जन्म आदिनी और उनके जन्म आदि वर्णनानी का वर्णन अन्वेषयामि, मैंने खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, तलाश रहा हूँ। विशाखा कहती है, किम संगणकेन एतत् सर्वं ज्ञातुं शक्यते, क्या कंप्यूटर से यह सब जान सकते हैं। योगिता कहती है, हाँ, संगणकेन कंप्यूटर से विश्वस्य संसार की सर्वाः सूचनाः सभी जानकारियां प्राप्त होती हैं। विशाखा, कथम, कैसे। योगिता कहती है, एतत् सर्वं तु, यह सब तो अस्मिन् पाठे कथितम् वर्णितम्, इस पाठ में बताया गया है, आवाम पठा में हम दोनों पढ़ती हैं। अद्यत्वे आजकल समगणकस्य कंप्यूटर का, अर्थात समगणकस्य कंप्यूटरस्य कंप्यूटर का प्रचार अखिले विश्वे पूरे विश्व में विलोक्यते दिखाई देता है। आजकल कंप्यूटर का प्रचार पूरे संसार में दिखाई देता है। समगणकम बिना, कंप्यूटर के बिना, तू तो अद्य आज विश्वस्य मैंने संसार की कल्पना अपि कर्तुम न सक्यते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अंतरजाल कार्यक्रमेण मैंने इंटरनेट के माध्यम से, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्किंग जिसको बोलते हैं, इंटरनेट और नेटवर्किंग के माध्यम से क्रिया से संयुक्तम, जो संयुक्त है मिलजुल करके, कंप्यूटर तो आश्चर्यस्य पराकाष्ठाम जनयति, आश्चर्य की, हैरानी की पराकाष्ठा को, चरम सीमा को जनयति, जन्म देता है। एतेन माध्यमेन, इसके माध्यम से, क्षणेन थोड़े से समय में ही, पल भर में ही, सकलाह सूचना सारी सूचनाएं सारी जानकारियां लब्धुं शक्यन्ते प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल आख्यम माध्यमेन, और ईमेल के माध्यम से, माध्यम को अवलंब्य अपना करके, वयम हम सब स्वकीयेन संगणकेन अपने कंप्यूटर से, स्वकीयेन मैंने अपने संगणकेन कंप्यूटर से, सौ संदेशम अपने संदेशों को, चित्रम तस्वीरों को, शुभकामनाओं को, संगीत आदि कमचे और गाने आदि को, संगीत आदि को तत्क्षणादेव उसी क्षण ही स्वमित्राणां पार्श्वे अपने दोस्तों के पास प्रेषयितुं शक्नुमः, भेजने में समर्थ हो सकते हैं। वार्तादिकम् अपि, और बातचीत भी समाने एव काले उसी समय कर्तुम शक्यते, करने में समर्थ होते हैं। सीडीडी कैमरे के यंत्र के माध्यम से परस्परम आपस में साक्षात्कारम अपि कर्तुम शक्नुमः, साक्षात्कार भी करने में समर्थ हो सकते हैं। इत्थम इस प्रकार ईमेल है, ईमेल दर्शन देखने योग्य और श्रवणयो सुनने योग्य, यानी देखने और सुनने का आश्चर्यकरम माध्यम अस्ति, आश्चर्य कर देने वाला माध्यम है। अंतरजाल कार्यक्रम अंतर्गत, अंतरजाल यानी इंटरनेट के कार्यक्रम के माध्यम से, वेब आख्यानम और वेबसाइट के माध्यम से, व्यवस्था नाम सर्वेशाम यानी वेबसाइट की व्यवस्था से, सर्वेशाम विषयाणाम सभी विषयों के बारे में
और शब्दकोश, शब्दकोशों के बारे में, मानचित्राणी, नक्शों के बारे में, और कहता है आगे देशानाम, देशों के बारे में, संस्कृति, संस्कृति जो कल्चर होती है, इतिहास है, इतिहास के बारे में, साहित्यम, साहित्य के बारे में, लिटरेचर के बारे में, यत की नपी, जो कुछ भी वा या वयम, हम सब ज्ञातुम, जानने में, वंशा में चाहते हैं, यानी जान सकते हैं। तत् सर्वम अपि, वह सब भी, समक्षम एव दृश्यते, समक्षम जो सामने ही दिखाई देता है। सर्वः अपि, और सभी सूचना, सूचनाएं, एतेन माध्यमेन, इसके माध्यम से, संकलितः कर्तुं शक्यन्ते, यानी इकट्ठी करने में समर्थ हो सकते हैं। अंतरजाल कार्यक्रमे स्थापित है, और कहता है कि अंतरजाल इंटरनेट के माध्यम से संगणक यंत्र सहायता और कंप्यूटर की सहायता से वयम, हम सब, क्रीडितुम अपि शक्नुमः में, खेल भी सकते हैं, खेलने में भी समर्थ हो सकते हैं। कार्यक्रम गवाक्षम, और कहता है जो विंडो प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम गवाक्षम, वैसे रोशनदान को बोलते हैं, लेकिन यहाँ खिड़की विंडो कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, ये विंडो कंप्यूटर वाली, उद्घाटे घरे स्थित है, खोलकर घर में स्थितापि, बैठकर भी वयम, हम सब, तानी तानी वस्तुनि, उन उन वस्तुओं को क्रेतुम शक्नु में, खरीदने में समर्थ होते हैं। और कैमरा या कैमरे के संकलितानी चित्राणी, इकट्ठे किए गए चित्रम, दृष्टुम, देखने के लिए, अन्यत्र प्रेषितुम वा समर्था भवामे, और दूसरी जगह भेजने में समर्थ हो सकते हैं। किम अधिकम, और अधिक क्या कहें, कंप्यूटर से महिमा, कंप्यूटर की महिमा के नापी वर्णन तुम न सके दे, किसी के द्वारा भी वर्णित नहीं की जा सकती, यानी कंप्यूटर की जो का महत्व है उसके बारे में कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। कंप्यूटर की महिमा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये था हमारा 10वां पाठ, कल हम आपको इसका अभ्यास कराएंगे। धन्यवाद।